अरे यार देखो सामने तो किनारा आ गया, अभी मुझे फटाफट से किनारे पर चलना होगा। अरे वाह ये देखो अभी तो मैं किनारे पर आ गया लेकिन वो रॉक फिर अभी मेरे पीछे ही आ रहा है। अरे अभी इन लोगों को यहाँ पर रोकने के लिए मेरे पास में एक शानदार वाला आइडिया है। तो चलो अभी मैं यहाँ पर फ्रीजर ग्रेनेड डाल देता हूँ, यहाँ का पानी जम जाएगा और वो लोग आगे नहीं आ पाएंगे। फिर मैं उन लोगों से बच के बड़ी आसानी से भाग जाऊंगा। तो ये देखो अभी तो मैंने पानी को जमा दिया। तो चलो यार अभी फटाफट से यहाँ से निकल लेता हूँ वरना वो रॉक फिर मुझे पकड़ लेगा। अरे वो देखो सुपर हीरो वो इविल रॉक फिर तो पानी से बाहर निकल गया, लेकिन ये क्या मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा। अरे क्या हुआ रॉक फिर तो मुझे क्या कह रहे हो, रुको मैं तुम्हारे पास में आता हूँ। लेकिन ये क्या यार मैं यहाँ पर कैसे जम गया। अरे रॉक फिर ये क्या हो रहा है। अरे सुपर हीरो इविल रॉक फिर के बच्चे ने इस पानी को जमा दिया और अभी हम लोग भी यहाँ पर जम गए। अभी मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी चलना चाहिए वरना वो इविल रॉक फिर भाग जाएगा। अरे टेंट आगे मत आना, वहीं पर रुक जाओ, उस इविल रॉक फिर ने हमको जमा दिया, तुम अपनी आँख से हमें पिघला दो। अयो ऐसी बात है क्या सुपर हीरो, अभी मैं तुमको एक मिनट के अंदर पिघला दूंगा। अरे वाह मटेंट बहुत अच्छे, ये देखो अभी तो हम लोग पिघल गए। तो चलो जल्दी से चल कर उस इविल रॉक फिर को पकड़े। अरे हाँ रॉक फिर बिल्कुल सही कहा, आज वो हमारे हाथों से नहीं निकलना चाहिए। अयो रॉक फिर भाई जल्दी से पकड़ लो, आज मैं उसका टिक्का फ्राय बना दूंगा। अरे नहीं यार देखो ये लोग पानी से बाहर कैसे आ गए, अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे वाह यार अभी तो उस जादूगर की जादुई छड़ी को मैं चुरा लाया, अभी तो मैं राज करूंगा और इस जादुई छड़ी की मदद से मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अरे यार मेरी पिस्टल में भी थोड़ी सी गोलियां है, लेकिन वो देखो सामने से जो आदमी आ रहा है उसके पास तो एक डंडा है। तो चलो यार अभी जल्दी से चल कर इससे डंडा छीनता हूँ। अरे ये डंडा मुझे दे दे। अरे कौन हो तुम, और ये डंडा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना यहीं पर भस्म कर दूंगा। अरे मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, ये ले अभी मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ। अरे नहीं यार देखो इसने तो मुझे मार दिया। अरे ये देखो इसका तो काम तमाम हो गया, अभी इससे इसका डंडा छीन लेता हूँ और रॉक फिरो की धुलाई करता हूँ। अरे देखो सुपर हीरो ये इविल रॉक फिरो तो यहाँ पर खड़ा है। चलो रॉक फिरो जल्दी से उसे पकड़ो, इसकी धुलाई करते हैं। अयो रुको मैं भी आता हूँ, मैं भी धुलाई करूंगा। अभी तुम लोग आ गए, अभी तुम लोग मेरे डंडे से नहीं बचोगे, इस डंडे से मैं तुम तीनों की धुलाई करूंगा। ये देखो मेरा डंडा तो काफी पावरफुल है। अरे बच्चू तेरे पास डंडा है तो मेरे पास मशीन गन है। अयो रुको रॉक फिरो भाई, अभी मैं इसको 440 वोल्ट का झटका देता हूँ। अरे नहीं यार देखो इस मटेंट ने तो मुझे वापस से जला दिया, अभी तो उठ के भागना पड़ेगा। भागो भागो अभी तो यहाँ पर पुलिस भी आ गई वरना ये लोग जेल में डाल देंगे। अरे डरपोक अभी कहाँ पर भागता है। सुपर हीरो उसे जल्दी से पकड़ो, वो भागना नहीं चाहिए। यार काश मेरे पास कार होती तो मैं अभी काफी जल्दी यहाँ से भाग सकता था और ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाते। ये क्या मैं कार के अंदर कैसे आ गया, मैंने तो सिर्फ बोला था और ये तो सच हो गया। ये सब बाद में सोचूंगा, अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। देखो ये पुलिस की गाड़ियाँ तो मेरे पीछे लग गई। इविल रॉक फिर गाड़ी को रोक दो वरना हम लोग तुम्हारी गाड़ी को भून डालेंगे। यार अभी मैं क्या करूँ, काश मेरे पास कोई अच्छी सी गन होती तो मैं इनको सबक सिखा देता। ये क्या ये आदमी तो मुझे बाहर निकाल रहा है और ये क्या मेरे पास तो एक गन आ गई। वाह देखो ये तो एक फ्रीजर गन है और इसकी मदद से तो मैं इन सभी को जमा जमा कर फोड़ूंगा। अरे नहीं यार साथी इसके पास में मत जाओ वरना ये तुम्हारी कुल्फी बनाकर फोड़ देगा। अरे क्या हुआ, तुम लोग तो मुझे भूनने के लिए आए थे ना, अभी रुको मैं तुम्हें भून डालूंगा। अरे इविल रॉक फिर हिम्मत है तो मेरे से पंगा ले। अरे हाँ यार रुक जा, तेरे पास में भी आता हूँ, तेरे को भी जमा के फोड़ूंगा, आज मेरे हाथ से कोई नहीं बचेगा। और ये देखो अभी तो मैंने इसको भी जमा दिया और इसे भी फोड़ दिया। तो चलो अभी यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर और पुलिस वाले आ जाएंगे। अरे वो देखो सुपर हीरो इविल रॉक फिर का बच्चा तो यहाँ से गाड़ी लेकर भाग रहा है। अभी तो रॉक फिर मेरा पीछा भी नहीं कर पाया। तो ये देखो अभी तो मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। मुझे लगता है ये कोई जादुई छड़ी है, इससे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं वापस से नॉर्मल कपड़े में आ जाऊँ। अरे वाह मैं तो नॉर्मल कपड़ों में भी आ गया, काश मैं यहाँ पर किलिंग मशीन बन जाऊँ। अरे वाह भाई वाह मेरी तो मौज हो गई, अभी तो मैं किलिंग मशीन भी बन गया, अब तो मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलो अभी इस वाइस टाउन में तबाही मचाता हूँ और रॉक फिर और उसके साथियों को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे यार वो इविल रॉक फिर तो इधर ही आया था, देखो वो सामने तो एक किलिंग मशीन दिखाई दे रही है। क्या यहाँ पर तो इविल रॉक फिर की गाड़ी भी है, इसका मतलब उस किलिंग मशीन के अंदर इविल रॉक फिर ही है। अयो ये रॉक फिर भाई यहाँ पर कैसे रुक गए, क्या हुआ रॉक फिर भाई, आप एकदम से यहाँ पर आकर क्यों रुक गए, मुझे जल्दी बताओ। अरे मटेंट अभी तो इविल रॉक फिर किलिंग मशीन बन गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, वो तो काफी पावरफुल हो गया। अरे रॉक फिर तुम टेंशन मत लो, हम उससे फाइट कर लेंगे, बस तुम जाओ और फ्रीजर गन से उसे वहीं पर फ्रीज कर दो। हाँ ठीक है सुपर हीरो, लेकिन मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, तुम लोग फटाफट से आ जाना। ये देखो यार मैं तो बड़ी आसानी से यहाँ पर आ गया, अभी इसे फटाफट से फ्रीज कर देता हूँ। अरे नहीं रॉक फिर के बच्चे तूने पीछे से वार किया, रुक जा अभी मेरे को पिघलने दे फिर बताता हूँ। अरे वाह रॉक फिर बहुत अच्छी, अभी देखो मैं इसको कैसे जलवा दिखाता हूँ, अभी तो ये किलिंग मशीन भी नहीं बचेगी। अरे यार अभी मुझे कुछ भी कोशिश करके आगे निकलना पड़ेगा। अरे बच्चू भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, ये देखो मैंने तो इसको दोबारा जमा दिया। अरे मटेंट चलो अभी तुम फटाफट से आ जाओ। टेंशन मत लो रॉक फिर भाई, अभी तो मैं आ गया, अभी देखो मैं इसको कैसे उछाल उछाल के मारता हूँ। लेकिन ये क्या यार अभी ये कहाँ पर उड़ गई, देखो ये तो बो रही, अभी जाकर इसको दोबारा से मजा चकाता हूँ। यार ये क्या मैं बाहर से तो पिघल गया लेकिन अंदर से अभी भी जमा हुआ हूँ, अभी मैं क्या करूँ। रॉक फिर अभी तो कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी करूँगा
करूंगा, मैं ही करूंगा। अरे आज तो तेरा जला जला कर पापड़ नहीं बनाया तो मेरा नाम भी मटन नहीं। अरे मटन देखो पीछे पुलिस वाले आ गए, अभी तुम एक काम करो इन पुलिस वालों से निपटो, इस किलिंग मशीन को मैं देख लूंगा। अरे ठीक है रोपिरो भाई, अभी तो मैं इन पुलिस वालों की भी पुंगी बजा दूंगा। अरे वायर अब आएगा ना मचा, अभी तो मैं आरपीजी लेके आ गया और ये इविल रोपिरो का बच्चा अब तो नहीं बचेगा। अरे नहीं यार ऐसे तो ये मेरी किलिंग मशीन को फोड़ डालेगा। नो देखो इसने तो मेरी किलिंग मशीन को फोड़ दिया और मेरे अंदर भी आग लग गई, मुझे जल्दी से इस आग को बुझाना पड़ेगा। अरे काश मेरे पास में एक हेलीकॉप्टर होता। अरे वाह देखो मैं तो हेलीकॉप्टर भी बन गया, ये जादुई छड़ी तो मेरे काफी काम की है, अभी मैं थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ। अरे यार वो इविल रोपिरो भागते हुए तो इधर ही आया था, लेकिन वो देखो वो तो हेलीकॉप्टर में गया। रोपिरो तुम्हारे इस दुश्मन के पास में मेरी एक जादुई छड़ी है, उसकी मदद से ये कुछ भी कर सकता है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन बाबा उस छड़ी की पावर्स को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं? रोपिरो अभी मैं तुम्हें उड़ने वाला सूट और एक इमरजेंसी जेट पैक देता हूँ। उड़ने वाले सूट की मदद से तुम थोड़ी दूर तक उड़ पाओगे लेकिन फिर जेट पैक खुल जाएगा। अगर तुम एक मिनट के अंदर रोबोट वाली कार को ढूंढ कर मार दोगे तो उस छड़ी की सारी पावर्स खत्म हो जाएगी। अच्छा तो ऐसी बात है, अभी मैं एक मिनट के अंदर उस रोबोट कार को ढूंढता हूँ। अरे यार अभी मुझे कुछ भी करके एक मिनट में रोबोट कार को ढूंढना पड़ेगा, अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो अभी तो मेरा इमरजेंसी जेट पैक खुल गया और मैं तो नीचे गिर गया, लेकिन सामने देखो सामने तो रोबोट कार जा रही है। तो चलो मुझे फटाफट से रोबोट कार के पास में जाना होगा और उसे ब्लास्ट करना होगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो उस छड़ी की सारी पावर्स खत्म हो जाएगी और फिर मैं इविल रोपिरो को मार सकता हूँ। और ये देखो अभी तो मैंने इसे ब्लास्ट कर दिया। अरे नहीं यार ये एकदम से क्या हो रहा है, मैं बाहर कैसे गिर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं कोई बचाओ मुझे, देखो मैं तो नीचे गिर गया और ये क्या, मैं तो पानी में जा रहा हूँ। अयो तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो या फिर नहीं। अगर देखना चाहते हो तो जल्दी से आज की वीडियो को लाइक करो और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसे जल्दी से दबा दो। अयो बेल आइकन पे क्लिक करके उसको भी ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।